दोस्तों आज हम बात करेंगे काला केयर लूशन के बारे में। ये लूशन क्या है, किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके डोसेस, प्राइस और साइड इफेक्ट के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि वह हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों काला केयर जो लूशन है वो 54 रुपये का है और इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ भी है, अलग अलग साइज़ भी है, तो आपको ये तो सस्ता महंगा ये मार्केट के अंदर मिल सकता है। लेकिन ये जो है ये 54 रुपये का है काला केयर। इसके जो मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं कि इसका जो है तो इस्तेमाल कैसा करे जाता है, पहले तो इस पर इस्तेमाल कैसा किया जाता है। जहाँ पर भी इन्फेक्शन है, ख़ास करके ये जो है तो इचिंग के ऊपर इस्तेमाल होता है, जहाँ पर भी खुजली आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, वहाँ पर इसको लगाकर 15 से 20 मिनट रख देना पड़ता है और उसको उतना टाइम तक रखना पड़ता है कि ताकि वहाँ पर जो झिलझिल झिलझिल उसकी अंगार बंद नहीं हो जाती है। अंगार बंद हो जाती है तो उसको पहले पानी से धो ले या फिर गर्म पानी से भी इसको धो सकते हैं, नहाने से पहले इसको लगाए। इचिंग प्राइवेट पार्ट के ऊपर है और पूरे बॉडी के अंदर है तो उसको लगा सकते हैं, सर के नीचे ही लगाए, गर्दन के पास से तो नीचे तक इसको लगाए तो बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट आएगा। और ख़ास बात मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इसका जो है तो साइड इफ़ेक्ट की अगर बात की जाए तो साइड इफ़ेक्ट इसमें बहुत कम है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट ही इफ़ेक्ट है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो फंगल इन्फेक्शन के ऊपर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कैबमा जो हो जाता है उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो बहुत बार देखा गया है, गौर किया गया है कि जो इचिंग होती है ऐसी अदर साइड की, जब फंगल बैक्टीरियल के अलावा जो इचिंग होती है शादी, उसमें अगर कभी इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये भी बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। लेकिन ख़ास बात ये याद रखें कि जहाँ पर भी आप लगा रहे हैं उसको 15 से 20 मिनट रहने दें या फिर डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, उसके हिसाब से ही इसको लगाएं। और अगर कभी इसको लगाते हैं तो थोड़ा सा सूखने दें, सूखने के बाद इसको गर्म पानी से या फिर ठंडे पानी से जैसी सहूलत है उसके हिसाब से धो लें। लेकिन एक बात याद रखें कि जो पानी आप धो रहे है वो इसके अंदर ना जाने दे। काला केयर ये लूशन जो है तो आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, डॉक्टर की सलाह के बगैर इसका इस्तेमाल ना करें। और अब मैं आपको और एक चीज़ इसकी बता दूँ इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। ये तो हो गया इसके यूजेस कैसे करना है, आपको पूरी बॉडी पर लगाना है, 15 मिनट रुक जाना है, उसके बाद इसको धो लेना है और आप पानी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडा या गर्म, ये बात याद रखें, उसको धोकर निकाल देना है। उसके बाद जो डॉक्टर ने आपको क्रीम या फिर कोई ऑइंटमेंट दिया है तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन अब इसके साइड इफ़ेक्ट के अंदर अगर कभी डीलिंग की जाए, साइड इफ़ेक्ट की अगर बात की जाए तो बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट इसके अंदर हैं। सबसे पहले एक बात याद रखें कि इसके आँखों के आसपास नहीं लगाना है और खाने के लिए नहीं है, ये लगाने के लिए है। बहुत सारे पेशेंट में हमने देखा है कि वो खा लेते, अगर आप इसको खा लेंगे तो आपको इसका रिएक्शन ज़रूर आएगा और बहुत सारे अननोन कॉज के रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं खाने के बाद। लेकिन अगर लगाते हैं तो उसको लगाने के बाद पानी जो ज़मीन पर गिर रहा है, याद रखें कि किसी ऐसी जगह पर ना जाने जाएं जहां पर कोई जानवर या कोई इसको खा रहा हो या पी रहा हो, उससे इसकी भी मौत हो सकती है। दूसरा ये एक तरह से इसको संभाल के कई अच्छी जगह पर इसको या ख़राब जगह पर इसको फेंक दे तो बेहतर होगा, नालियों के ज़रिए भी इसको फेंक दे सकते हैं आप। अब दूसरी बात यह है दोस्तों कि इसको जब लगाते हैं तो उसको जल्दी से जो डॉक्टर जितना टाइमिंग बोला है वो टाइमिंग के बाद इसको धो लें, नहीं तो और रिएक्शन आने के चांसेस, मतलब कि उसके ऊपर रैशेस और आने के चांसेस हैं और ज़्यादा परेशानी आपको हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही, अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।